नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष खत्म होने वाला है और पितृपक्ष के खत्म होते ही नवरात्रि की शुरुआत होगी। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के नौ स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। यह पर्व नारी शक्ति की आराधना का पर्व होता है। दोस्तों, आज हम नवरात्रि के बारे में बात करने वाले हैं कि नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब खत्म होगी, कितने दिनों की नवरात्रि होगी, इस बार घट स्थापना का मुहूर्त क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में शारदीय नवरात्रि होती है। इस बार नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन समाप्त होगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। 14 अक्टूबर तक चलने वाले इन दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। 15 अक्टूबर को धूमधाम के साथ विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। इसी दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इन 9 दिनों में सब लोग भक्ति में रंग में रंग जाते हैं, तो कुछ लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन का व्रत रखते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करती हैं, उनके दुखों को दूर करती हैं। नवरात्रि का हर दिन माँ के विशिष्ट स्वरूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की अलग अलग महिमा होती है। आदि शक्ति जगदम्बा के हर स्वरूप से अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, कई बार तिथि घटने बढ़ने के कारण अष्टमी और नवमी की तिथि में असमंजस हो जाता है। इस बार नवरात्रि की यह तिथि 1 घट रही है और इस बार 9 नहीं बल्कि 8 दिन की ही नवरात्रि रखी जाएगी। इस बार चतुर्थी तिथि का 6 होने से नवरात्रि 8 दिन की पड़ रही है। 13 अक्टूबर को अष्टमी व्रत रखा जाएगा और इस दिन महागौरी की पूजा होगी। 14 अक्टूबर को नवमी तिथि का व्रत रखा जाएगा और नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ 6 अक्टूबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को शाम 4:34 से शुरू हो रहा है और प्रतिपदा तिथि का समापन 7 अक्टूबर के दिन शुक्रवार दोपहर 1:46 पर होगा। तो वहीं घट स्थापना मुहूर्त 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से और 7:07 तक रहेगा। 9 अक्टूबर को तीसरा और चौथा नवरात्रि पड़ रहा है। 15 अक्टूबर को दसवीं तिथि है और इस दिन व्रत का पारण किया जाएगा और विजयदशमी मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जय माता दी। दोस्तों,